भारत में लॉन्च होने वाली कारों के बीच स्पर्धा का दौर चल रहा है। खबरों के अनुसार टाटा हैरियर साल 2019 की सबसे बड़ी लॉन्च में से एक है। टाटा मोटर्स की ये एक अहम कार है जिसका काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा है। इस कार के स्पेसिफिकेशंस पर से कंपनी ने पर्दा हटा दिया है। इस कार के स्पेसिफिकेशंस का हम हुंडई क्रेटा से तुलना करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों कारों में कौन होगा आपके लिए बेहतर? टाटा हैरियर में 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन दिया गया है जो 3750 आरपीएम पर 140 पीएस की मैक्सिमम पावर और 1750 से 2500 आरपीएम पर 350 एनएम का पीक स्टार्क जनरेट करता है। वहीं हुंडई क्रेटा में 1.6 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 4000 आरपीएम पर 128 पीएस की मैक्सिमम पावर और 1500-3000 से आरपीएम पर 160 एनएम पर पीक स्टार्ट जनरेट करता है। इस कार में 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का डीजल इंजन भी विकल्प में मिलता है। टाटा हैरियर की लंबाई 4598 मिलीमीटर, चौड़ाई 1894 मिलीमीटर और ऊंचाई 1706 मिलीमीटर है। इसका व्हील बेस 2741 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 250 मिलीमीटर है। वहीं हुंडई क्रेटा की लंबाई 4270 मिलीमीटर, चौड़ाई 187 मिलीमीटर और ऊंचाई 1665 मिलीमीटर है। इसका व्हील बेस 2590 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर है। टाटा हैरियर का इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में लैस है। वहीं हुंडई क्रेटा में 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। टाटा हैरियर में 6 एयरबैग्स और ईबीडी के साथ ईबीएस फीचर मिलता है।